मेरा नाम आकांक्षा है, मैं प्राथमिक विद्यालय सदरपुर तेली में इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने एक TLM बनाया है, पोषक तत्व विटामिन TLM। हमारे भोजन में बहुत से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनमें से एक विटामिन्स हैं। तो हमने विटामिन A, B, C और D को लेकर एक TLM बनाया है। बच्चों को हम विटामिन के बारे में बताएंगे, इनकी कमी और इनकी कमी से होने वाले रोगों के विषय में बताएंगे, और इनकी कमी को दूर करने के लिए जो स्रोत होते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे इस TLM के माध्यम से। तो सबसे पहला हमारा विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग की ये पहचान है कि आँखों की रोशनी कम हो जाती है, इसे हम अंधापन स्रोत भी कहते हैं। अब इसकी कमी को पूरी करने के लिए हमारे स्रोत क्या क्या हैं, जैसे पपीता, आम, दूध, सेब, अंगूर और पालक। यह अधिकतर अधिकांश पीली वस्तुओं, पीली चीज़ों में पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए की अगर किसी को कमी हो तो इन चीज़ों के माध्यम से वो पूरी हो सकती है। दूसरा विटामिन है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इस स्रोत की इसकी क्या पहचान है इस रोग की, कि मुंह के किनारे फट जाते हैं। तो इसकी कमी से बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ये इसमें चित्र के माध्यम से बताया गया है। मटर, आम, अंडा, मूली, मछली, शक्कर और अमरूद। तीसरा विटामिन है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग की क्या पहचान है? मुंह सूखा स्रोत, मतलब कि मुंह सूख जाता है। विटामिन सी अधिकतर खट्टी चीज़ों में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे शलजम, बटर, गाजर, टमाटर, नींबू, आंवला, जो इन सब चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। अतः किसी का मुंह सूख रहा हो तो वह स्कर्वी रोग की पहचान है। तो इसकी कमी से, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें खट्टी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। अगर हम विटामिन डी का सेवन ना करें तो हमारे हाथ पर हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी को कहते हैं टांगों का टेढ़ापन स्रोत। विटामिन डी हमें अधिकतर सूर्य की रोशनी, नमक, इन सब चीज़ों से मिलता है, जैसे खजूर, मछली, दूध और सूर्य की रोशनी। अतः हमें अपने भोजन में विटामिन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये हमने चार प्रकार के विटामिन बताए हैं, सभी बच्चे इनका सेवन करें और इसकी कमी को दूर करें।